इन सूरज की किरणों को देख मानो जैसे कोई फूल सा खिल आया है इस बहती धारा की नगरी में, अंधकार से प्रकाश हो आया है। रजनी की समाप्ति के बाद सभा का समय हो आया है। ऋषियों की भूमि पर आज नया सवेरा हो आया है। ऋषिकेश एक ऐसी भूमि जिसे ऋषि मुनियों की भूमि कहा जाता है। माना जाता है जब ऋषि मुनियों पर राक्षसों द्वारा अत्याचार हो रहे थे, भगवान ने उनका संहार किया और ये जगह ऋषि मुनियों को योग तप हेतु दी। ऋषियों की साधना स्थल होने के कारण इस स्थल का नाम पड़ा ऋषिकेश। यूं तो हर जगह का दिन अपने आप में ही सुंदर होता है, लेकिन ऋषिकेश में दिन पृथक एवं असामान्य है। ऋषिकेश की सुबह अंतर्मन को शांत और आशाओं को सीमा में रख सवेरे की सभा को महसूस करने का प्रतीक है। दूसरी जगहों की चहल पहल से दूर यहाँ शांति का वास, योग में जपते ओम की प्रतिध्वनि और नित्य भाव से पर्यटकों की सेवा सवेरे से ही जान पड़ती है। यहाँ अलौकिकता के साथ साथ लोगों की आवश्यकता एवं भौतिक अपेक्षाओं को पूर्ण करने की क्षमता है। दरिद्रता से दूर ये नगरी आर्षय भाव से प्रचुरित है। बहुत शहरों से, दिल्ली, बंबई, गुजरात, कलकत्ता से, हर शहर से ऋषिकेश बहुत अच्छा लगता है। यहाँ जो है कोई भूखा नहीं रह सकता। जिसके पास पैसा है लाखों करोड़ों, वो दिल्ली, बंबई, गुजरात, कलकत्ता जाए, पर यहाँ जो है एक रुपये नहीं है जेब में, तब भी आपको भोजन मिलेगा। सुबह का शांत ऋषिकेश दिन तक आते आते अपने कई रंगों में नजर आता है। कहीं कोई डुबकी लगाता तो कहीं कोई पूजा अर्चना करता भक्ति में लीन है। लक्ष्मण झूला और राम झूला पर बढ़ता पर्यटकों का डेरा और बोटिंग के लिए उत्सुक सैलानी, राफ्टिंग और बंजी जंपिंग जैसे साहसिक खेलों का आनंद उठाते लोग, परिपूर्णता से भरपूर सात्विक भोजन का लुफ्त। ऋषिकेश की प्रमुखता का महत्वपूर्ण प्रतिरूप है इससे सटी निरंतर बहती त्रिवाहिनी धारा, जो मूल रूप से इसका लालन पालन करती है। सभी के लिए कुछ खास हूँ मैं, हजारों सालों से बह रहा इतिहास हूँ मैं, सभी जीव जंतुओं का सहारा हूँ मैं, महादेव की जटाओं से बहती धारा हूँ मैं, सभी के पापों को अंदर समाती हूँ मैं, अपने अंदर एक अलग ही दुनिया बसाती हूँ मैं। यूं तो मनुष्य मुझे कई नामों से पुकारते हैं, लेकिन एक नाम जिससे मुझे सब जानते हैं, गंगा। और इसी धारा से सटा यहाँ का प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट, जिसका संपूर्ण वर्णन हिंदू पुराण, रामायण और महाभारत सभी में है, जिस पर बहती गंगा का सुंदर स्वरूप देखते ही बनता है। इस तट पर स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर, गीता मंदिर और बाजार लाखों सैलानियों को आकर्षित करते हैं। भगवान कृष्ण की देह संस्कार की इस भूमि को बहुत पावन और निश्चल माना जाता है, जिसमें मनुष्य को हर दोष से मुक्त करने की क्षमता है। सूरज की किरणों से ओझल होता ऋषिकेश गंगा की भक्ति में मग्न होने को तैयार हो उठा है, जिसका अद्भुत नज़ारा यहाँ की त्रिवेणी घाट की गंगा संध्या आरती में दिखता है। सर्वप्रथम तो ऋषिकेश नगर के समस्त धार्मिक संस्थाएं जितने भी हैं, श्री भरत मंदिर, जयराम आश्रम, प्राचीन हनुमान मंदिर, सब लोगों ने, पुष्कर मंदिर, सब लोगों ने मिलकर जो है
एक जो है त्रिवेणी घाट की व्यवस्था के लिए एक समिति का गठन किया, जिसको जो है श्री गंगा सभा के नाम से जो है रजिस्टर्ड कराया गया। ये समिति जो है त्रिवेणी घाट पे जो है घाट की सफाई व्यवस्था, रख रखाव, इसका जो है मतलब एक तरह से जो है लोगों की सुरक्षा का, और मेन जो है संध्याकालीन आरती का जो आयोजन त्रिवेणी घाट पे करती है। आरती के संबंध में जो आरती की सामग्री, पूजा सामग्री होती है, इकट्ठा करते हैं। सुबह से ही काम शुरू हो जाता है हमारा, और आरती पात्र साफ करवाते हैं, उसके बाद बत्तियाँ बनाते हैं। बत्ती बनाने का एक काम लड़का करता है, धूप बत्ती के दिए बनाने पड़ते हैं, कपूर आदि का व्यवस्था करनी पड़ती है। उसके बाद शाम को 5:30 बजे हम आरती परिसर में पूरा सेटअप तैयार करके लोगों के लिए बैठने के लिए मैटिंग है, और पंडितों के बैठने के लिए आसन है, चौकियाँ हैं, ये सब सेट करके 5:30 बजे हमारा सेटअप तैयार हो जाता है। गंगा, यमुना, सरस्वती का ये खूबसूरत संगम संध्या तक आते आते गूंज उठता है, जिसमें कोई मग्न होकर ध्यान करता है, कोई नाचकर अपने दुखों को भूल जाता है, और कोई महत्वाकांक्षाओं को गंगा माँ के समक्ष रख प्रार्थना करता है। इसी तरह ऋषिकेश के दिन की समाप्ति होती है, और निरंतर बहती गंगा अगली सुबह से मिलने फिर से चली जाती है।